हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों सब्सक्राइबरों का स्वागत करते हुए आज मैं एक बहुत यूजफुल वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलता हूं और एक ऐसा मैं यूजफुल टॉपिक दूंगा मित्रों कि निश्चित रूप से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपको लगेगा कि वास्तव में हमें कुछ मिला। तो हम जानते हैं आप इस समय हमारा अभियान चला हुआ है कि स्पोकन को इम्प्रेसिव कैसे बनाए, हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पोकन विथ इम्प्रेसिव स्टाइल। तो इम्प्रेसिव बनाने के लिए मैं आपको आज सिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले, यदि पहली बार हो चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर तो जानते ही हैं, करना ही होता है अगर आप सच्चे मित्र हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम आपको सिखाते हैं कुछ यू वीडियो, कुछ यू वर्ड्स जो नाटक करने से संबंधित है। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ यार, राम नाटक में राजा का रोल इतना अच्छा करता है कि मानो वास्तव में राजा हो, वह ऐसे कार्य करता है मानो राजा हो, है ना। वह मुझे देखने का नाटक करती है, देखती नहीं है बल्कि नाटक करती है। वह किताब पढ़ने का बहाना करता है, बात समझ रहे हैं। तो मित्रों अगर ऐसे वाक्य मिले तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये मैं आपको आज सिखाने का प्रयास करूंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू बी विथ मी। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, टेंस की बात है। इसके बाद बहाना करना या नाटक करने के लिखेंगे प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू के बाद अगर भाव है तो बी प्लस वी वन, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये मित्रों एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टू बी। देखिए इसमें बी सब जो है, यदि भाव आपको आता है होने का तो आप बी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। प्रिटेंड जो है मेल वर्ब का भी काम कर देगा, इसलिए मेल वर्ब को आप अकॉर्डिंग टू टेंस प्रिटेंड पर प्रेजेंट का वाक्य है तो प्रिटेंड्स, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडेड, जैसा भाव होगा उस ढंग से आप इसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रिटेंड का अर्थ होता है नाटक करना या बहाना बनाना। आइए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि हाउ टू प्रिटेंड। जी रेडी हो जाए आप मित्रों के साथ, तैयार हो जाए पेन कॉपी को लेकर के। अगर मैं आपसे कहूं कि वो मुझे देखने का नाटक कर रही है, वो मुझे देखने का नाटक कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि मित्रों कर रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए हम सब्जेक्ट नाटक कर रही है एक किसी फीमेल की बात है, इसलिए ही की जगह क्या लिखेंगे सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचन के साथ इज, तो हम लिखेंगे सी इज। अब हेल्पिंग वर्ब है हमारा प्रेजेंट, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सी इज प्रिटेंडिंग। अब इसके बाद आपको लिखना है टू। अब बी नहीं लिखना है क्योंकि उसकी आवश्यकता हमको महसूस नहीं हो रही है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बन रहा है, तो सी इज प्रिटेंडिंग टू। वी वन क्या है देखना, अब यहां मित्रों प्रिटेंडिंग बन गया है हमारा वी वन से, सॉरी आई एन जी लगाने से प्रिटेंड में, तो यहां वी वन हमको लिखना है सी एस डबल ई, सी इज प्रिटेंडिंग टू सी मी, वह मुझे देखने का नाटक कर रही है। सर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, हमने सब्जेक्ट के रूप में सी लिखा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होने के नाते इज, प्रिटेंड हमने आपसे पहले ही कहा कि मेन वर्ब का काम करेगा इसलिए प्रिटेंड में आई एन जी लगा, सी इज प्रिटेंडिंग टू। वी वन देखने का नाटक करती है इसलिए सी मैंने दिखना होता है, तो सी इज प्रिटेंडिंग टू सी मी, मुझे देखने का, वह तुम्हें देखने का नाटक करती है, करती है अगर होता तो मित्रों प्रिटेंडिंग नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा सी प्रिटेंड्स टू सी यू, वो तुम्हें दिखने का नाटक करती है।
अकॉर्डिंग टू टेंस इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए एक और देखते हैं उदाहरण, देखिए प्रेजेंट की बात मैं करता हूं। श्याम राजा बनने का नाटक करता है, श्याम राजा बनने का नाटक करता है, तो ये करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आप लिखेंगे श्याम प्रिटेंड्स, श्याम प्रिटेंड्स टू। अब विवन क्या है प्रिटेंड्स टू, अब यहां बनने का तो बी लिखेंगे श्याम प्रिटेंड्स टू बी अ किंग, पुलिस्टा। यहां आपको बी से शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मित्रों यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, इसलिए हमने प्रिटेंड में यस लगाया, श्याम प्रिटेंड्स टू, राजा बनने की बात कर रहा है, होने की बात कर रही है, इसलिए हम यहां पर बी का प्रयोग करेंगे। तो बी का प्रयोग वही करेंगे जहां पर कोई चीज होने या बनने का भाव पाया जाए, तो श्याम प्रिटेंड्स टू बी अ किंग, श्याम राजा बनने का नाटक करता है, वह एक भिखारी बनने का नाटक करता है नहीं, नाटक करता है पैसा लेने के लिए। तो ऐसे वाक्यों को भी आप देखिए कैसे बनते हैं। ये मैं आपसे कहूं कि वह खुश होने का, वह खुश होने का नाटक कर रहा है, वह खुश होने का नाटक कर रहा है, तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही इज pretending, he is pretending to be happy, she is pretending to be happy। तो इस ढंग से मित्रों आप देख रहे हैं कि हम ऐसे वाक्यों को किस ढंग से बना देते हैं, वो छोटे से वर्ड है, इन छोटे से वर्ड के माध्यम से आपको वाक्य को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं या बनाना होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके समक्ष लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हम बिल्कुल इसको तैयार कर डालेंगे, टेंस के मुताबिक हम वाक्य को बनाएंगे, जोड़ेंगे और लिखेंगे। अगर मैं कहूं रोने का नाटक मत करो, रोने का नाटक मत करो, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंस में जो भी सेंस नेगेटिव हो तो हम उसके लिए डोंट का प्रयोग करते हैं। तो हंसो मत, डोंट लाफ, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, उसी तरह से है रोने का नाटक मत करो। तो मित्रों आप कैसे लिखेंगे, डोंट प्रिटेंड टू वीप, डोंट प्रिटेंड टू वीप, रोने का नाटक मत करो, स्मार्ट बनने का नाटक मत करो, तो आप लिखेंगे डोंट प्रिटेंड टू बी स्मार्ट, स्मार्ट बनने का नाटक मत करो। अनेक लोग, एक और लिखिए लास्ट, अनेक लोग अमीर होने का नाटक करते हैं, अनेक लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। अब यहां पर आप देखते हैं कि प्रायः वास्तव में होता है कि लोगों के पास है नहीं, लेकिन नाटक करेंगे कैसा, मानो बहुत बड़े आदमी हो। तो मित्रों ऐसे वाक्यों के लिए अब अनेक लोग बने से लोग, तो आप लिखेंगे मेनी पीपुल, आपको मालूम है कि पीपुल प्लूरल सेंस को देता है, इसलिए हम मेनी पीपुल नाटक करते हैं, प्रेजेंट का टेंस है, तो हम लिखेंगे प्रिटेंड, मेनी पीपुल प्रिटेंड टू बी रिच। बस आप इसी स्टाइल में स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको वाक्य बना देना है, निश्चित रूप से आपको इस स्टाइल का प्रयोग करने से आपकी स्पोकन इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो मित्रों आई थिंक आपके समझ में स्ट्रक्चर आ गया होगा, यदि आपने समझा है तो बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत छोड़िएगा और पहली बार होने पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों मेरे चैनल में
आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट की समस्त ग्रामर की वीडियोज अपलोड है, उन्हें आप सर्च करेंगे तो सब कुछ मिलेगा बहुत इजी वे में, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको कोई भी हमारा नोटिफिकेशन या कोई भी अपलोडिंग की इंटीमेशन बिना मिले न रह जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज का वीडियो लेक्चर आपका मित्र धर्मेंद्र सिंह बंद करता है। पुनः नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ मिलने के वादे के साथ हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत।